से पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के चर्चित कठुआ रेप मर्डर केस में पठानकोट की अदालत ने आज फैसला सुना दिया। 8 साल की बच्ची से हुई इस वारदात के जुर्म में 7 में से 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। इनमें 3 को उम्र कैद और बाकी 3 को 5-5 साल जेल की सजा हुई। सांझी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई। तीनों पर 2 धाराओं में 1.5-1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र वर्मा को सबूत मिटाने का दोषी पाया। इन तीनों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 7वें आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्टरूम में जज साहब ने जी न्यूज के शो डीएनए की क्लिपिंग को देखा और विशाल जंगोत्रा को बरी किया। जी न्यूज का इस केस में काफी अहम भूमिका अदा की गई है। जी न्यूज की ओर से इस केस में एविडेंस भी हुआ था और जो आपकी फुटेज जो डीएनए का एपिसोड था वो जज साहब के सामने चलाया गया था और जज साहब ने उसको बारीकी से देखा था। और इंटरेस्टिंगली ये था कि जो क्राइम ब्रांच ने वो फुटेज लेकर आए थे वो कहते थे कि ये खाली है, लेकिन जो डीएनए के पास तो फुटेज थी वो बिल्कुल सही थी, तो जज साहब ने वो फुटेज को माना। कठुआ रेप मर्डर केस की सुनवाई 3 जून को पूरी हो गई थी। आज पटियाला की सेशन कोर्ट में जज डॉक्टर तेजविंदर सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलों के आधार पर शाम 5 बजे दोषियों की सजा का ऐलान किया। कठुआ केस में अदालत ने जी न्यूज की रिपोर्टिंग की तारीफ की है। पठानकोट कोर्ट में जज डॉक्टर तेजविंदर सिंह ने जी न्यूज के फुटेज को बतौर सबूत माना, सच सामने लाने के लिए तारीफ की। जी न्यूज ने यह साबित किया कि विशाल वाकई वारदात वाली जगह पर मौजूद नहीं था। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि विशाल जंगोत्रा 12 जनवरी 2018 की सुबह 6 बजे कठुआ पहुंचा, जबकि जी न्यूज ने 12 जनवरी के ही 3 वीडियो दिखाए थे जिसमें दिखाई दे रहा है कि विशाल मुजफ्फरनगर के मीरापुर में कॉरपोरेशन बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहा था। चार्जशीट में कहा गया था कि 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक विशाल कठुआ में था। जी न्यूज ने 15 जनवरी का भी एक सीसीटीवी वीडियो दिखाया जिसमें विशाल एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्जशीट में कहा गया कि कठुआ में विशाल ने रेप के बाद बच्ची की हत्या की, जबकि सच ये था कि रेप और हत्या के दिन विशाल कठुआ में था ही नहीं। विशाल जंगोत्रा के परिवार ने जी न्यूज को धन्यवाद दिया है। जब ये केस बना था तब हमारी किसी सरकार ने नहीं सुनी थी, किसी ने भी नहीं सुनी थी, लेकिन पहली बार जी न्यूज ने ये दिखाया था, सच्चाई दिखाई थी। जी न्यूज का शुक्रिया करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने जितना हमारे लिए किया इतना किसी ने हमारे लिए नहीं किया। सबसे पहले सच्चाई की आवाज आपने उठाई थी। कठुआ रेप और मर्डर केस में फैसला आने के बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आखिर क्यों बीजेपी के मंत्रियों ने आरोपियों के समर्थन वाली रैलियों में हिस्सा लिया था। कठुआ में जब यो दर्दनाक वाकया हुआ तो उस एक्यूज की ताईद में क्या असदुद्दीन ओवैसी जुलूस निकाले? बीजेपी के मिनिस्टर्स रोड पे निकल कर आ गए, बीजेपी सपोर्ट करी। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। ये समय ऐसे घिनौने अपराधों पर राजनीति करने का नहीं है, जहां एक 8 साल की बच्ची को नशीले पदार्थ दिए गए, उसका रेप किया गया और फिर मौत की नींद सुला दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने आज बशीरहाट में 12 घंटे का बंद रखकर काला दिवस मनाया। पूरे इलाके में RAF और CAPF तैनात रही। हिंसा के शिकार और लापता हुए बीजेपी और TMC कार्यकर्ताओं की तलाश में पुलिस और IB ने कई जगह दबिश दी। इधर दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। राज्यपाल ने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। For being appointed as Prime Minister, and I have also extended my greetings to Amit Shah and told him briefly what is the position in West Bengal. वहीं कोलकाता में CM ममता बैनर्जी ने प्रशासन की हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें सभी DM SP मौजूद थे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता ने इस बैठक में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करने के निर्देश दिए हैं। वो पुलिस के ये बोला है जिधर पड़ो भाजपा का वर्कर को ऊपर केस लगाओ, लीडर को ऊपर केस लगाओ, मीटिंग का परमिशन ना दो एवं बंगाल का डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म करो। बीजेपी ने कहा कि वो ममता सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रही है, ममता खुद अपनी पार्टी के टूटने से हिंसा भड़का रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलायम सिंह यादव के घर गए।
उन्होंने मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। इस दौरान वहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद सीएम योगी जब लौटने लगे तो अखिलेश यादव उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। तबीयत खराब होने के बाद कल मुलायम सिंह यादव को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शरद पवार ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सांसद चुने जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बम धमाके के आरोपी को टिकट देना लोकतंत्र पर हमला है। कई लोकांना अटक केली, त्याच्यामध्ये आज संसदेमध्ये आम्हा लोकांच्या वर राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाला ज्या युनिव्हर्सिटीच्या भगिनी सुद्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार के वरिष्ठ सचिवों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सचिवों से कहा कि लोगों के जीवन स्तर को आसान बनाने को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी हटाने और पानी पर ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने सचिवों से कहा कि भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का है और इसी दिशा में काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को देश की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और ये अच्छी बात है। कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से इसीलिए जीते क्योंकि वहां 40% वोटर मुसलमान हैं। और खुद कांग्रेस के सदर अमेठी में उनको शिकस्त हुई तो उनको कामयाबी वायनाड से मिली। क्या वायनाड में 40% मुसलमान नहीं है? अगर आप आज भी गलतफहमी का शिकार है कि नहीं नहीं ये जो है ये कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे याद रखो। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस की भीख पर जिंदा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस को मेहनत से जी चुराने वाली पार्टी और म्यूजियम में रखने लायक पार्टी बताया, तो वहीं उसे क्षेत्रीय दलों से भी कमजोर बताए जाने पर कांग्रेस ने भी ओवैसी को जवाब दिया। देखिए ओवैसी साहब का तो अब बात साफ हो गई, तो वो चुनाव वहीं लड़ाते हैं जहां भाजपा को फायदा हो, वो वही करते हैं जब भाजपा का कुछ न कुछ फायदा हो, बोलते भी वही हैं जिससे भाजपा का फायदा हो। कांग्रेस ओवैसी को वोट कटवा बताकर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाती रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने बालाकोट को मुद्दा ना बनाया होता तो वो दोबारा नहीं जीत पाती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना और बीएसएफ के 3 जवान घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से ये गोलाबारी शाम को 4 बजे करीब पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर में की गई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की हरकत का कड़ा जवाब दिया है। वहीं पुंछ की कृष्णा घाटी में सेना ने एक आईडी हमले को नाकाम कर दिया है। आतंकियों ने सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किया था। दिल्ली ने आज गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के पालम में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जून के महीने में दिल्ली में कभी इतना ज्यादा तापमान रिकॉर्ड नहीं हुआ। मौसम विभाग दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर चुका है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, वहाँ 35 चल रहा है बट यहाँ तो 40+ है, स्वेटिंग होता है। गर्मी तो यहाँ बहुत ज्यादा है पर क्या करें, गर्मी बहुत, इट्स टू हॉट हियर। दिल्ली NCR में झुलसा देने वाली भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन राहत की कोई उम्मीद नहीं है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 16 जून को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बातचीत हुई। लखनऊ में संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बड़ी बात कही। इस बार राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता, न कानून रोक सकता, न राम मंदिर निर्माण के जो विरोधी है वो रोक सकता। ये जनता का फैसला है, ये जनता ने तय किया है, इसलिए तो भारी बहुमत से हमको जिताया है। संजय राउत ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर पर अब फैसले की घड़ी आ गई है। अगर किसको चाहिए, अगर हमारे विरोधी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज की बात है तो आप लीजिए, आप बनाइए राम मंदिर। मैं ममता जी को कहूंगा, मैं अखिलेश यादव को कहूंगा,